492 वर्ष बाद अंततः वो घड़ी आ ही गई जिसका भारत की जनता को 492 वर्षों से ही इंतजार था। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की 5वीं सदी से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होने का ऐतिहासिक पल आ गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है और जगह जगह पर भगवान श्री राम का पूजन भजन कीर्तन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हमीरपुर जिला के जोलसप्पड़ पंचायत में भी भगवान श्री राम का पूजन भजन कीर्तन किया गया व लड्डू बांटे गए। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता पवन कुमार, दिलीप सिंह देशराज, कृष्ण चंद रघुनाथ सिंह, मानचंद कमल सिंह व पंचायत के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान वहां पर उपस्थित लोगों ने खुशी मनाते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी। भाजपा के कार्यकर्ता पवन कुमार ने कहा कि अयोध्या में वर्षों से भगवान श्री राम के मंदिर के लंबित पड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझा दिए जाने के बाद राम मंदिर के ट्रस्ट बनने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जा रहा है, जिसके लिए वे बेहद खुश हैं। और कोरोना महामारी के चलते एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने कहा कि वे दिल की गहराइयों से भारत की जनता को बधाई देते हैं। निवासी जो है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम भक्त सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम जी का वर्षों से लंबित पड़ा हुआ मामला जो था राम मंदिर का, वो सुलझ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के मुताबिक। तो राम मंदिर का ट्रस्ट बनने के बाद आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसकी खुशी में हम जोलसप्पड़ निवासियों का भी मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो उठा है और हम सब ने मिलकर के आज का जो ये छोटा सा आयोजन, क्योंकि कोरोना का कहर भी चला हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक शॉर्ट में जो कार्यक्रम किया है, भगवान की पूजा अर्चना की है, माल्या अर्पण हुआ है, पुष्प अर्पण हुए हैं भगवान जी को, भगवान जी की आरती उतारी गई है। और हम यही आशा करते हैं कि भगवान जी का मंदिर निर्माण जो है वो निर्विघ्न समाप्त होगा और हम सब भगवान जी के आशीर्वाद के सदा ही ऋणी रहते हैं। भगवान जी हम सब के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर जो है अपनी कृपा बनाए रखें और हमें मार्गदर्शन अच्छे कामों के लिए जो है वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त प्राणी जाति को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान राम की कृपा जो है हम सबके ऊपर जो है वो बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौरतलब है कि आज के दिन 5 अगस्त जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:15:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ ही औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया गया और 22.6 किलोग्राम बजनी ईंट के साथ मंदिर निर्माण का नींव पत्थर रखा गया। आपको बता दें कि मंदिर के निर्माण में देश से लगभग 1500 पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी तथा 100 से अधिक पवित्र नदियों एवं सैकड़ों कुंडों का जल उपयोग में लाया गया, जिसमें गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास समेत अन्य नदियों का जल, राम भक्तों ने देश के प्रसिद्ध पवित्र कुंडों का जल भी अयोध्या भेजा था। हल्दी घाटी, चित्तौड़ दुर्ग, स्वर्ण मंदिर के कुंड का जल व मिट्टी, वैष्णो देवी, मैसेकर घाट, सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी, सरस्वती उद्गत स्थल का जल व रज, रविदास मंदिर काशी, बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा भूमि व संघ की उद्गम स्थली नागपुर की रज व पवित्र जल, मानसरोवर की पवित्र रज व जल अयोध्या भेजा गया था।